छत्तीसगढ़ सीटेट एग्जाम। सीटेट एग्जाम में पर्यावरण अध्ययन से 30 प्रश्न पूछे गए हैं और आज इसका संभावित आंसर हम देखेंगे। यह एग्जाम कब कंडक्ट कराया गया है, तो ये कल ही कराया गया है 18 सितंबर 2022 को। चलते हैं, यहाँ पर संभावित आंसर क्या हो सकते हैं वो देखेंगे कि इसका आंसर क्या है। आंसर की देखेंगे 121वां प्रश्न है कि एक पारिस्थितिक तंत्र के अपघटक है, तो अपघटक उसे कहते हैं जो कार्बनिक पदार्थ को अकार्बनिक पदार्थ में परिवर्तन कर देता है। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। दूसरा प्रश्न भी आपके स्क्रीन पर ही शो हो चुके हैं और यह प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण का भौतिक घटक नहीं है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन है कवक, ये पर्यावरण का भौतिक घटक नहीं है। अगला है कि इनमें से कौन सा विद्यार्थी के उचित व्यवहार में वृद्धि करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, तो पुरस्कार, अगर किसी विद्यार्थी को पुरस्कार के दिया जाता है तो वो उचित व्यवहार करने में वृद्धि सर्वाधिक उपयुक्त है, इसका सही आंसर है। अगला है कि इनमें से कौन सा प्राकृतिक और सामाजिक अंतःक्रिया का उदाहरण नहीं है, तो ए ऑप्शन पेड़ों को काटना सामाजिक और प्राकृतिक अंतःक्रिया का उदाहरण नहीं है। इसके बाद आपके स्क्रीन पर 125वां प्रश्न है कि यहाँ पर देख सकते हैं और ये प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन रचनावादी दृष्टिकोण के बारे में सही नहीं है, तो रचनावादी दृष्टिकोण के बारे में इनमें से तीसरा ऑप्शन सही नहीं है, सीखना उद्यापन अनुक्रिया के द्वारा। उसके बाद अगला है, यहाँ पर दहेज प्रथा जो अधिनियम है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम है, वो कब लागू हुआ, तो वो जुलाई 1961 में लागू हुआ है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि पर्यावरण की पाठ्य पुस्तक के संबंध में कौन से कथन सही हैं, इनमें से कौन कौन सा कथन सही है ये पूछा हुआ है, तो यहाँ पर केवल बी ऑप्शन सही है, बच्चों को खोज के अवसर दें, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इसके बाद अगला प्रश्न भी आपके स्क्रीन पर शो हो चुके हैं और ये प्रश्न है कि शिक्षक आकलन के किस उपकरण के अंतर्गत बच्चे की सीखने की प्रगति की जानकारी एकत्रित कर उसका रिकॉर्ड रखते हैं, तो इसका सही आंसर लिया गया है और संभावित आंसर है बी ऑप्शन पोर्टफोलियो। इसके बाद अगला प्रश्न है कि पर्यावरण अध्ययन में कहानियों को एक शिक्षण शास्त्र की तरह उपयोग किया जाता है, इस संबंध में कौन सा कथन सही है, तो इसका सही आंसर है बी ऑप्शन बच्चों की बढ़ती एकाग्रता, सॉरी इसमें सही जो दिया हुआ है ए यहाँ पर दिया हुआ है, इसका सही आंसर ए बी सी तीनों सही है, अर्थात पहला दूसरा और तीसरा सही है, तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तीसरा प्रश्न है कि इनमें से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में रचनात्मक आकलन है, तो रचनात्मक आकलन इनमें से कौन सा है, तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर है बच्चों से क्रियाकलाप करवाना और अवलोकनों को दर्ज कराना, डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। कौन सा ऑप्शन, यहाँ पर जो डी ऑप्शन है ये सही है। इसके बाद अगला प्रश्न भी आपके स्क्रीन पर शो हो चुके हैं और ये प्रश्न है पर्यावरण की कक्षा में बच्चों से खुले प्रश्न पूछने का मुख्य उद्देश्य क्या रहता है, बच्चों से खुले प्रश्न पूछने का मुख्य उद्देश्य क्या रहता है, इसका सही आंसर है यहाँ पर बी ऑप्शन के बच्चों में अपसारी चिंतन का विकास करना, क्या बच्चों में अपसारी चिंतन का विकास करना, ये बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। इसका तो आंसर आप जानते होंगे कि पृथ्वी अपने कक्ष पर एक घूर्णन करीब 24 घंटे में पूरा करती है, बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 133वां प्रश्न है कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में शिक्षिका ने अदरक को तना कहा, तो क्योंकि तना कहा क्योंकि अदरक को तना कहा क्योंकि इसका सही आंसर क्या है, तो इसमें पर्व एवं पर्व संधियां होती है, इसलिए अदरक को उन्होंने तना कहा। 134वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर शो हो चुके हैं, यह प्रश्न है कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में परिवार महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि
क्योंकि बात आंसर देना है कि क्या आंसर इसमें आए, जैसे कि परिवार में समझदार व्यक्ति होते हैं, बच्चों से परिवार का जुड़ाव होता है, यह वास्तविक स्थिति से सीखने का अवसर उपलब्ध कराता है। कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर सी ऑप्शन इसका सही आंसर है कि यह वास्तविक स्थिति में सीखने का अवसर उपलब्ध कराता है। यहाँ पर अगला प्रश्न आ चुका है कि भारत में लड़कियों और लड़कियों की जो विवाह की सबसे कम उम्र है, न्यूनतम उम्र वो क्या है? तो वो है बी ऑप्शन, लड़के का 21 वर्ष और लड़की का 18 वर्ष न्यूनतम है। 136वां प्रश्न है कि मच्छरों के द्वारा फैलने अर्थात होने वाला रोग है, अच्छा अर्थात मच्छर काट लेता है तो कौन सा रोग होता है, ये पूछा हुआ है कि उससे फैलने वाली रोग कौन कौन से है। तो ये ऑप्शन है डी ऑप्शन, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, ये इसका सही आंसर है। 137वां प्रश्न है कि इनमें से खाद्य श्रृंखला का सही क्रम कौन सा है? यहाँ पर खाद्य श्रृंखला दिया हुआ है, चार को मिलाया हुआ है और सही कौन सा है ये बताना है। और सबसे पहले घास, फिर खरगोश, फिर शेर, ये सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ठीक है, घास, खरगोश और शेर सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। एक व्यक्ति के मसूड़ों से खून निकलता है और उसे थकान महसूस होती है, तो यह किस रोग के लक्षण है? क्या क्वेश्चन है? एक व्यक्ति के मसूड़े से खून निकलता है और उसे थकान महसूस होता है, तो यह किस रोग के लक्षण है? तो यह है ए ऑप्शन, स्कर्वी रोग। दांत मसूड़े वाला कहते हैं वो वाला है, ये स्कर्वी रोग, विटामिन ए इसका सही आंसर है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है ये थोड़ा सा बड़ा है दिया हुआ है, और NCF 2005 के पर्यावरण अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अनुशंसा नहीं की गई है? तो NCF पर्यावरण 2005 के पर्यावरण अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अनुशंसा नहीं की गई है, ये पूछा हुआ है। तो इसका सही आंसर है यहाँ पर बी ऑप्शन, बच्चों के भाषाई कौशल का विकास होना चाहिए, इसकी अनुशंसा नहीं की गई है, बाकी तीन की अनुशंसा की गई है। अगला प्रश्न भी आपके स्क्रीन पर यहाँ पर शो हो चुके हैं, और ये प्रश्न है कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत विज्ञान, सामाजिक विज्ञान को सम्मिलित किया गया है, इसका क्या उद्देश्य है? कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण के अध्ययन के अंतर्गत विज्ञान और सामाजिक विज्ञान को सम्मिलित किया गया है, इसका क्या उद्देश्य है? तो इसका सही आंसर है पहला ऑप्शन की, विद्यार्थियों को इस योग्य बनाना है कि वह अपने पर्यावरण को समग्रता के साथ समझ सकें, ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा समूह प्राथमिक उपभोक्ता है? तो प्राथमिक उपभोक्ता इनमें से कौन सा समूह है? तो इसका सही आंसर है बी ऑप्शन, गाय और खरगोश प्राथमिक उपभोक्ता है। इसके बाद अगला प्रश्न भी आ चुका है आपके स्क्रीन पर, और यह प्रश्न है कि प्राथमिक स्तर पर मानचित्रांकन सीखने से किस कौशल का सबसे अधिक विकास होता है? मानचित्र का सीखने से किस कौशल का सबसे अधिक विकास होता है? तो डी ऑप्शन सही है, स्थान, दूरी, दिशा को समझने की क्षमता का विकास होता है, डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इसके बाद अगला प्रश्न भी आपके स्क्रीन पर शो हो चुके हैं कि जैसे कि रीमा आज पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में जड़ विषय पर चर्चा करेगी, ठीक है, रीमा आज पर्यावरण विषय में जड़ विषय पर चर्चा करेगी, तो वह इनमें से किस समूह के वस्तुएं कक्षा में लेकर जाएगी? तो इनमें से जड़ें कौन कौन सी है वो हमें बताना है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, गाजर, चुकंदर और मूली, ये समूह को लेकर जाएगी, डी ऑप्शन सही आंसर है। ये संभावित है, ध्यान देंगे, एक्सपेक्टेड फाइनल आंसर तो नहीं है। गीता रमन की पत्नी है, देव गीता का इकलौता भाई है, यदि ऋतु गीता की पुत्री है तो देव का ऋतु से क्या संबंध है, ये पूछा हुआ है, और इसका सही आंसर है मामा, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। गणित से भी इसमें डाल दिया है। 145वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी रुके हुए पानी से हो सकता है? तो रुके हुए पानी से तो कोई बीमारी नहीं होता, लेकिन रुके हुए पानी से मच्छर पनपने के कारण मलेरिया रोग होता है, वहाँ मलेरिया अगर काट दिया जाता है तो रुके हुए पानी से आपको रुके होगा पानी, लेकिन उससे संदूषित होगा मच्छरे और मच्छर के काटने से होगा मलेरिया, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इसके बाद अगला प्रश्न भी आपके स्क्रीन पर शो हो चुके हैं, और यह प्रश्न है कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा का प्रारंभ कुछ प्रश्नों से किया जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रश्न पूछने का सही परिप्रेक्ष्य नहीं है? अर्थात पर्यावरण अध्ययन के कक्षा की शुरुआत अगर प्रश्न पूछने से किया जाता है तो प्रश्न पूछने का जो सही तरीका है वो इनमें से कौन सा नहीं है, यह पूछा हुआ है, और इसका सही आंसर है डी ऑप्शन की, बच्चों का चिंतन प्रकरण तक सीमित किया
जा सकता है। ये इसका सही आंसर डी ऑप्शन। अगला प्रश्न भी आपके स्क्रीन पर आ चुका है कि नीचे दिए गए कथन के संबंध में सही विकल्प का चुनाव करें। तो नीचे दिए गए जो कथन है उसमें सही विकल्प का चुनाव करना है कि कक्षा में बच्चों द्वारा की गई गलतियाँ क्या हैं। कक्षा में बच्चों द्वारा की गई गलतियाँ क्या है, तो इसका सही आंसर है बी ऑप्शन। ये बच्चों को समस्या का समाधान करने में सहायता करती हैं। की गई गलतियाँ ये बच्चों को समस्या का समाधान करने में सहायता करती है, बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। यहाँ पर अगला प्रश्न है कि वन पारिस्थितिकी तंत्र में कवक को किस समूह में रखा गया है। हमने आपको बताया कि कवक जो है क्या है, भौतिक घटक नहीं है, और इसे किस समूह में शामिल किया गया है, ये इसका सही आंसर क्या देखेंगे, तो अपघटक, क्योंकि यह अकार्बनिक पदार्थ को कार्बनिक पदार्थ में परिवर्तन कर देता है। अपघटक एक तरह से ये अपघटक है, और पहला क्वेश्चन जब इसका हमने अध्ययन किया तो वही आपने पाया है, तो इस तरीके से ये जुड़ा हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि सजीवों में श्वसन से संबंधित अंग क्या होता है। जो जीव होते हैं, सजीव होते हैं, उनमें श्वसन से संबंधित अंग कौन से होते हैं, तो इसमें से जो वृक्क दिया हुआ ये नहीं है, यहाँ पर फेफड़ा दिया हुआ है, तो फेफड़ा दिया हुआ है ये है, जैसे छोटी आँख दिया हुआ है नहीं है, वृक्क हुआ तो ये नहीं है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है कि गलफड़े, त्वचा और फेफड़े ये सजीवों में श्वसन अंग होते हैं। अब पर्यावरण संबंधित तीसरा प्रश्न आ चुका है, और ये लास्ट प्रश्न है कि इनमें से कौन सा कथन कक्षा में आयोजित गतिविधि के संबंध में गलत है। तो ए ऑप्शन गलत है कि सामूहिक गतिविधियां समूह में ही की जाती है, ये गलत है, और इसका सही आंसर है, हमने आपको सीजी टेट एग्जाम 2022 के पर्यावरण अध्ययन इन्वायरमेंट टॉपिक से जुड़े 30 प्रश्नों का यहाँ पर हमने संभावित आंसर देखा। अगर आपको कोई डाउट होता है किसी प्रश्न पर तो आप कमेंट कर सकते हैं। हालांकि अभी फिलहाल सीजी व्यापम द्वारा इंजेक्ट कंडक्ट कराए गए हैं एग्जाम, तो उनके द्वारा अभी तक कोई मॉडल आंसर जारी नहीं किया गया है। और जय हिंद, मिलेंगे अगले वीडियो पर।